राक्षसी उपचार उन्हें कहा जाता है जिसमें जीवों को, जानवरों को, प्राणियों को मार कर, निचोड़ कर अथवा उसमें से इंजेक्शन लेकर अथवा उनकी आंतें उबाल कर क्या क्या कर, जैसे B12 है, भूख लगाने के लिए B12 बनती है, तो बैलों के आंतें उबाल उबाल के उसमें चाश शक्कर और एसेंस और रंग मिलाया जाता है। बैल घास चबा लेते, हजम कर लेते, उनकी हाथों की पाचन शक्ति मनुष्य के हाथों को पाचन शक्ति में मदद कर, लेकिन जीवों की हिंसा हत्या इसको राक्षसी उपाय बोलते हैं। चूर्ण खाया, लवण भास्कर लिया, पाचन तंत्र को बढ़ाने की औषधि लिया, ये मानवीय उपचार है। लेकिन वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर फेंक कर रम रम जप कर अग्निदेव का आवाहन किया और पाचन तंत्र तेज किया, ये देवी उपचार हो गया। तो राक्षसी उपचार से अच्छा है मानवीय उपचार, और कम परिश्रम में और लंबा समय ऊंचा उद्देश्य की पूर्ति में देवी उपचार। जैसे बुद्धि को बढ़ाने के लिए एलोपैथी की जो भी होगी मुझे पता नहीं है, आयुर्वेदिक की शंख पुष्पी है, एक बादाम रात को भिगा दो 10 घंटे के बाद, बादाम का छिलटा उतार के उसको सुबह नाश्ते में चबा चबा के लो तो याद शक्ति बढ़ती, बुद्धि में बढ़ोतरी, बड़ी उम्र में भी पेशाब की तकलीफें नहीं रहो। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए ये मानवीय उपचार है, जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, और नक्षत्र में कोई वस्तु मिश्रित करके योग बनता है, इससे बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न होती है, ये मानवीय उपाय है। ऐसी बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न होती है कि मानो वो वैद्य बन जाए तो इतना ऊंचा वैद्य बन सकता है कि कोई मरीज आया, 2 दिन मरीज का रिश्तेदार आया, ऊंट पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर 2 दिन के बाद पहुंचा है और कहता है कि मेरी माँ को, बोले बस ठीक है, तुम्हारी माँ को पेट में अल्सर है, कान से कम सुनती है, आंखों से कम सुनाई पर दिखाई पड़ता है, और कमर में दर्द है, और तुम्हारी माँ को दूसरा क्या है कि दाएं हाथ में थोड़ा सा दुखता है इधर। बोले वैद्यराज, बोले हाँ तुम आ गए ना, उसके रिश्तेदार आ गए तो हमने देख लिया तुम्हारी माँ को, ये ऐसी विद्या भी विकसित थी और वो उसमें का एक व्यक्ति था, अभी थोड़ा समय पहले उसका स्वर्गवास हुआ। मतलब मरीज के लिए कोई आया है तो मरीज को क्या है वो बता दे, इतना दैविक उपासना के द्वारा मानवीय उपचार होते थे। मेरे पास कोई डॉक्टर आते, अब भी 2 दिन पहले पिनाकी डॉक्टर आया, MD और कुछ ऐसा अच्छे अच्छे कोर्स के हुए, वो कंसल्टिंग करता है दवाई कौन सी लेनी चाहिए क्या क्या, तो बात बात में मैंने कहा चश्मा उतार, मैं कहा तुम्हारे को ये तकलीफ है, बोले हाँ बाबू, मैं कहा कौन सा एक्सरे ने काम किया, तो बोले भगवान 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 ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन ये सब अंतःकरण की ऊंची अवस्था में ये सब पता चल जाता है, अथवा कुछ मानवीय उपायों में कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, अगर लीवर में तकलीफ है तो इधर इधर की रेखा है, अगर वायु प्रकोप है तो नाखूनों में लकीरें पड़ गई है, अथवा ये आँखों की ये है, वो लक्षण मान लक्षण देख कर भी वैद्य बता देते तुमको ये है, और अंतःकरण की शुद्धि से भी स्पूर्ण होता है कि इनको ये है, अथवा तो शरीर किसी का वहाँ पड़ा है और पूछ रहा है तो अंतःकरण की ऐसी शुद्धि और उपासना या सिद्धि है कि ऐसा ऐसा होता है।
तो मानवीय उपाय की औषधियां ठीक है, लेकिन जब जीभ में मेमबुदे जीभ में कुछ हो गया है, आयुर्वेदिक मानवीय उपाय से ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन कराया कुछ किया, तो ये फिर उसके पीछे धक्का धक्की चेक करो, ये करो वो करो, काटा काटी में लंबा विस्तार होता है। देवी उपाय यह है कि आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और फिर आंख बंद करके सूर्य नारायण को आरोग्य के लिए जप करें। अगर यश चाहते तो यश के लिए, पुत्र चाहते तो पुत्र के लिए, विद्या चाहते तो विद्या के लिए, जैसे सूर्य देव के किरणों से अन्न औषध भिन्न भिन्न, जैसा जैसा अपना बीज और संस्कार है ऐसा ऐसा वो सूर्य के किरणों से पोषण पा लेते। ऐसे जिस जिस मनोरथ के लिए आप उपासना करते हैं उस मनोरथ को सफल किया जा सकता। ऐसे ही 22 बीज मंत्र हैं, जैसे वायु के 80 दोष हैं तो बम 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 जप करने से 80 प्रकार के वायु दोष नियंत्रित हो जाते। ऐसे स्वभाव के कुछ दोष हैं, अशांत है तो अमुक बीज मंत्र है, लीवर की तकलीफ है तो राक्षसी उपायों में तो लीवर का इलाज सफल ही नहीं है। मेरे भाई का कई बार खून बदला, नया खून भरा, क्या क्या किया, इंजेक्शन मारे, कई जीव जंतुओं की हिंसा करके बने होंगे या क्या होगा भगवान जाने, लेकिन ये सब उपाय होने के बाद भी मेरा भाई एलोपैथी के इलाज से, राक्षसी इलाज करने से भी बचा नहीं और मर गया। लेकिन देवी उपाय है कि आप 50 माला जप करो इस मंत्र की तो लीवर ठीक हो जाता है। तो 3 प्रकार के उपाय हुए, दैवी उपाय, मानवीय उपाय, राक्षसी उपाय। तो एलोपैथी की दवाइयां राक्षसी उपाय में सब नहीं गिनेंगे, जो निर्दोष औषधियां हैं उसमें उसको मानवीय उपायों में गिने जाए। लेकिन जहां हत्या हिंसा होती है या उन जीव जंतुओं से इंजेक्शन बनाए जाते हैं, कैप्सूल में काम आती, जैसे आप कैप्सूल लेते हैं तो कैप्सूल की जो टोपी है वो शाकाहारी नहीं है, नॉन वेज है, तो कैप्सूल लेना पड़े तो कैप्सूल का पाउडर हो सकता है शाकाहारी हो, कैप्सूल के पाउडर में हत्या हिंसा न हो सकता है, लेकिन कैप्सूल का कवर तो जिलेटिन से, पशुओं के इससे आदि से तत्वों से बनाया जाता है। तो कभी कैप्सूल लेना पड़े तो उसको खोल के उसका पाउडर फाक सकते हैं। ऐसे एलोपैथी में जो हत्या हिंसा बिना की है वो औषधि से स्वास्थ्य लाभ होता है, और हत्या हिंसा से स्वास्थ्य लाभ तो होता लेकिन स्वभाव नीच होने की संभावना है। कर्राते हुए जीव मरे तो उनकी कर्राहट, उनकी अशांति और प्राकृतिक प्रकोप भी उसमें साथ में आता है। प्राकृतिक संविधान बहुत बहुत सूक्ष्म और सर्वसमर्थ है। लिखा है कि जहां श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार नहीं होता और जहां नीच पुरुषों का आदर सत्कार पूजन होता है वहां भय शोक मृत्यु तांडव करता है। अपूजस यत्र पूजन्ते, पूजा नानस्तु पूजन्ते, तत्र भय शोक मृत्यु अविशन्ति। भय शोक मृत्यु का नाटक होता है। जैसे अफगानिस्तान में पूजनीय संतों का मूर्तियां बुद्ध की ये वो तोड़ना चालू हो गया, और दूसरे लोगों का, नेताओं छाप लोगों का सम्मान होना शुरू हो गया, तो वहां ऐसा बम ब्लास्टिंग का
ऐसा तांडव हुआ कि अभी तक अफगानिस्तान को पुरानी पहले की स्थिति में लाना मुश्किल हो रहा है। इतना विनाश हुआ, कितनी खूना खराबी हुई, कितने लोग मरे, कितने मकान। ऐसे ही पाकिस्तान में देखो या अपने हिंदुस्तान में देखो या और विदेशों में देखो, प्राकृतिक प्रकोप विशेष हो जाते। तो जहाँ पूजनीय व्यक्तियों का आदर सत्कार होता है, वहाँ प्रसन्नता, सज्जनता, सहानुभूति, उदारता आदि सद्गुण विकसित होते, और जहाँ ऐसा वैसा होता है वहाँ फिर विकृति, राक्षसी, आसुरी प्रकोप वृत्ति आदि होती। तो कैसे भी करके हम ठीक हो जाए, किसी का कान चबा के भी अपना सिर ठीक करेंगे ना, लेकिन कान चबा कर किसी का सिर अपना सिर ठीक करोगे तो सिर किसी न किसी चक्राओं में चकराने लगेगा। राक्षसी उपाय से स्वस्थ होने की बजाय थोड़ी कठिनाई सह लेकर देवी उपाय करना चाहिए। और राक्षसी उपाय, मानवीय उपाय विफल होने पर भी देवी उपाय के द्वार खुले होते। एलोपैथी में उपचार नहीं है, आयुर्वेद में या होम्योपैथी में या मानवीय उपचार नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं हो सकता है। 24 घंटे में बापू की माँ मर के ही मानेगी। अब 22 घंटे, अब 20 घंटे, अब माँ को मैंने देवी उपचार दे दिया तो माँ 7 साल जी, 84 महीने जी, दुनिया जानती है। और MD किया अमेरिका में और वहीं प्रैक्टिस करता है। वो डॉक्टर साल में 2-3 बार आ जाता था। ये अपना महिला आश्रम अहमदाबाद में, मैं सत्संग कर रहा हूँ, महिला आश्रम सब लोग जानते हैं, यहाँ पास में ही है। तो मेरी इजाज़त लेने आया था कि महिला आश्रम में मेरे को माँ के दर्शन की आज्ञा दो, क्योंकि महिला आश्रम में कोई भी पुरुष बिना आज्ञा के नहीं जा सकता, नियम पालना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है प्लम्बर को या उनको या वो भी संचालिका की अनुमति से, अथवा कोई बाहर का व्यक्ति जाए तो मेरी या कोई मुख्य व्यक्ति की अनुमति से जाए, तो मेरे से अनुमति लेता था। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी चौथी बार जब आया तो मैं क्या, तुम माँ के दर्शन का तो बहाना बनाता है, वो 86 साल में लीवर खलास हुआ कैसे डेवलप हुआ, किडनी कैसे ठीक हो रही है, मन के घिस गए थे 2-3 वो कैसे ठीक हो रहे हैं, भूख कैसे लग रही है, ये तुम चेक करने जाता है, बोल। बोले हाँ बापू, सॉरी। PC पटेल अमेरिका के अपनी समिति में भी था। तो देवी उपचार जहाँ आसुरी उपचार और मानवीय उपचार, वैद्यों ने भी बोला कि डॉक्टर और वैद्यों से घिरा हुआ व्यक्ति भी अगर वायु नाड़ी विपरीत चलती तो उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। और मैं गया, माँ को मंत्र दिया और उपाय हुआ। फिर मैंने वैद्य को पूछा कि कैसे ठीक हुए, बोले आयुर्वेद में लिखा है कि अगर संत कोई आ जाए या कह दे ईश्वरी सत्ता के आगे ये सब संभव है, वैद्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा है वैद्य के ग्रंथ में। तो मानना पड़ता है कि देवी उपाय सर्व समर्थ है। अहमदाबाद में माणिक चौक प्रसिद्ध जगह है और लक्की जूस हाउस भी अच्छा खासा लोग जानते उसको, उसका भाई माधो, हरि भाई का भाई माधो, आँखों के उपचार करते करते आँखें ठीक नहीं हुई, इंजेक्शन साइड इफेक्ट जो कहो वो देखना उसका बंद हो गया, बोले पानी सूख गया अब नहीं देख सकता है, सभी डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया केस। हम मेरे पास आया, हम मैंने सूर्य नारायण का मंत्र दे दिया और अभी वो देख रहा है, अभी जिंदा है, कोई चेकअप करना चाहे तो जा सकता है। एड्रेस बता रहा हूँ, अहमदाबाद माणिक चौक ढालगढ़वाड़ लक्की जूस हाउस, हरि भाई उसके, लक्की जूस हाउस के मालिक उसका भाई माधव भाई, छोटा भाई, अभी भी चेक कर लो और उसकी पहले की फाइलें देखो कि वो
ऐसे जोंडस हुआ है और नीता वैद्य ने बोल दिया कि बापू के सामने बैठकर वो मंत्र जपो, हो ढाई घंटा मंत्र जप और जोंडस ठीक हो गया। रिपोर्ट उसके पहले की रिपोर्ट देखो और अभी की रिपोर्ट देखो, बिल्कुल लोग चकित हो जाते। तो मानना पड़ता कि देवी उपाय सर्वोपरि है। मेमा ध्यान से सुनना, तो आरोग्य लाभ के लिए मस्तक संबंधी बीमारियां और पेट संबंधी बीमारियां ओमकार के जप से अद्भुत ढंग से मिटाई जा सकती है। और पेट की बीमारियां तो मिटे, मस्तक की बीमारियां तो मिटे, पेट का तंत्र और मस्तक का तंत्र दिव्य भी बनाया जा सकता है। और ऐसा दिव्य बनाया जा सकता है कि अजय मिश्रा सामने बैठा है, ओमकार का जप किया और इतनी थोड़ी सूक्ष्म मति हुई कि नेटवर्क की डिजाइन बनाने पुस्तक लिख डाली, $110 में बिकती है दूसरी पुस्तक, $150 में बिकती है, 30 लाख सैलरी बात है। जाके पढ़ाई के समय डीले विद्यार्थियों में थे, अभी इतने थोड़ा सा टाइम मिला है तो दिल्ली से आके बैठ भी गए। तो ये देवी उपाय के आगे बुद्धि की ढिलास भी गायब हो जाती है और निखार भी आता है, रोग भी मिटते हैं। और इस जगत में ऐसी कोई त्रिभुवन में चीज नहीं है जो भगवत कृपा या मंत्र या देवी उपाय से न पाया जा सके।